संतोषी की वजह से किन दो बड़ी एक्ट्रेस का फिल्मी करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्या था इस फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म से जुड़ी वो सारी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिका जुयाल, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज और आज मैं बात करूंगी 1996 में रिलीज हुई फिल्म घातक के बारे में। इस फिल्म में सनी देओल, मीनाक्षी शशाद्री, अमरीश पुरी और डेनी जैसे कलाकार नजर आए थे और इस फिल्म का डायरेक्शन किया था राजकुमार संतोषी ने। और राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म का प्रोडक्शन भी किया था, स्क्रीन प्ले भी लिखा था और स्टोरी भी लिखी थी। तो राजकुमार संतोषी को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में मिला था बेस्ट डायरेक्टर का। और सनी देओल के साथ ये उनकी तीसरी फिल्म थी, इससे पहले वो घायल और दामिनी में काम कर चुके थे ये दोनों। और इस पीरियड को गोल्डन पीरियड भी माना जाता था इन दोनों के जोड़ी का। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इनके बीच दूरियां बढ़ने लगी और फिर सनी देओल ने राजकुमार संतोषी के साथ इसके बाद कभी काम नहीं किया। ये उनकी आखिरी फिल्म थी इनके साथ। फिल्म घातक की हीरोइन मीनाक्षी शशाद्री और राजकुमार संतोषी का एक फेमस किस्सा सामने आता है। दरअसल मीनाक्षी शशाद्री के साथ वो पहले घायल और दामिनी भी कर चुके थे और इन्हीं दो फिल्मों की शूटिंग के दौरान वो उनकी एक्टिंग और लुक्स के दीवाने हो गए और फाइनली उन्होंने हिम्मत बांधी और घातक की शूटिंग के दौरान उन्हें बता दिया कि वो उनसे प्यार करते हैं और मीनाक्षी ने उस वक्त साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद क्या था, राजकुमार संतोषी उन्हें परेशान करने लगे, टॉर्चर किया करते थे शूटिंग के दौरान भी और अगर वो अच्छा शॉट भी देती थी तो उसे दोबारा करने को कहते थे। मीनाक्षी इस दौरान बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और राजकुमार संतोषी तो उन्हें रिप्लेस करने की भी तैयारी कर चुके थे जबकि फिल्म की आधी शूटिंग हो चुकी थी। इसके लिए उन्होंने कई बड़ी मॉडल्स को उस वक्त अप्रोच किया था लेकिन वो फिट नहीं हो पा रही थी। इसके बाद रवीना टंडन को भी इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया लेकिन रवीना टंडन ने किन्हीं कारणों से मना कर दिया और फाइनली इसमें मीनाक्षी शशाद्री को ही कास्ट करना पड़ा। लेकिन मीनाक्षी ने भी फिर इस फिल्म को किया और उसके बाद फिर कोई फिल्म नहीं की, यानी कि राजकुमार संतोषी की वजह से उनका ये फिल्मी करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया क्योंकि इसके बाद वो किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई। वो एक बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस थी और भरतनाट्यम में तो उनका कोई सानी नहीं था, वो बहुत अच्छा डांस किया करती थी। और इसी फिल्म में एक और एक्ट्रेस नजर आई थी और एक आइटम सॉन्ग उन्होंने किया था, कोई जाए तो ले जाए। इस गाने में ममता कुलकर्णी नजर आई थी और ममता से जुड़ा भी एक किस्सा राजकुमार संतोषी से जुड़ा हुआ है। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो फिल्म के लगभग सभी गाने आरडी बर्मन ने कंपोज किए थे, सिर्फ एक गाना था कोई जाए तो ले आए, ये गाना अनु मलिक ने कंपोज किया था और इस फिल्म का सुपर हिट सॉन्ग भी ये माना जाता है, काफी फेमस हुआ था और इसमें ममता कुलकर्णी नजर आई थी। ममता कुलकर्णी 90s के दौर की एक बोल्ड हीरोइंस की लिस्ट में शुमार थी और काफी हॉट एंड सेक्सी थी और इस गाने को उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। इसको देखते हुए राजकुमार संतोषी उनसे काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म में तुम्हें कास्ट करूंगा। फिर फाइनली चाइना गेट में राजकुमार संतोषी ने ममता को कास्ट किया और इसकी शूटिंग शुरू हुई लेकिन बाद में इस फिल्म से ममता को उन्होंने निकाल दिया था। ममता इस बात से बहुत गुस्सा थी और जब मीडिया में आई, मीडिया के सामने आई तो उन्होंने कहा कि राजकुमार संतोषी ने मुझसे शारीरिक संबंध बनाने की बात की है और कास्टिंग काउच का आरोप लगा दिया था। इससे राजकुमार संतोषी की बहुत फजीहत हो गई थी और राजकुमार संतोषी ने इन सारे इल्ज़ामों को मना कर दिया था, उन्होंने नकार दिया था। लेकिन बाद में इन दोनों की फिर से सुलह हुई और फिर से ममता कुलकर्णी का चाइना गेट में कमबैक हुआ और ये फिल्म में रिलीज हुई लेकिन ये फिल्म उस वक्त फ्लॉप साबित हुई थी। और इस फिल्म को करने के बाद ममता कुलकर्णी ने भी बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और कहा जाता है कि विक्की गोस्वामी नाम के ड्रग स्मगलर को वो डेट कर रही थी और इस ड्रग स्मगलर को बाद में जेल भेज दिया गया और यही इन दोनों ने निकाह भी कर लिया। ममता ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया लेकिन बाद में ममता ने इन सभी बातों को नकार दिया। उन्होंने कहा ये सिर्फ अफवाहें हैं, हम दोनों का ड्रग स्मगलिंग से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमने शादी की है। और ममता ने ये भी कहा कि मैंने एक गुरु की शरण ले ली है और मैं सन्यासी जीवन जी रही हूँ। बाद में उन्हें बिग बॉस से भी ऑफर हुआ था, उन्हें इन्विटेशन मिला था लेकिन ममता ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी लाइफ किसी विस्फोट से कम नहीं है तो मैं नहीं आना चाहती बिग बॉस में। तो इसी तरह से उनका करियर बॉलीवुड का खत्म हो गया।
तो चलिए अब इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म का बजट था 6.5 करोड़ रुपए। इस फिल्म ने भारत में 11 करोड़ की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड 18 करोड़ की कमाई की थी, यानी कि इस वक्त की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। उस साल की जो नंबर वन हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी वो राजा हिंदुस्तानी थी, दूसरे नंबर पर अग्निसाक्षी थी और तीसरे नंबर पर जीत थी और चौथे नंबर पर घातक का नाम आता है। इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर भी काफी कहानियां हैं। कहा जाता है कि राजकुमार संतोषी जब घायल और घातक की कहानी लिख रहे थे तो उनके दिमाग में कमल हसन थे, यानी कमल हसन के हिसाब से वो स्टोरी लिख रहे थे। लेकिन घायल के दौरान कोई भी प्रोड्यूसर उन्हें नहीं मिल रहा था, क्योंकि कमल हसन उस वक्त हिंदी सिनेमा के लिए नया चेहरा था। लेकिन बाद में धर्मेंद्र ने ये फिल्म प्रोड्यूस की, लेकिन उस वक्त सनी देओल को इस फिल्म में कास्ट किया गया और ये फिल्म सुपरहिट रही। उसके बाद संतोषी ने सोचा कि वो घातक में कमल हसन को कास्ट करेंगे, लेकिन उन्हें लोगों ने सुझाव दिया कि सनी देओल के साथ आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी फिल्में जा रही हैं, तो आपको सनी देओल को ही घातक में कास्ट करना चाहिए। तो इस तरह से घातक में सनी देओल को कास्ट किया गया। दोस्तों, फिल्म घातक में ओम पुरी, अमिताभ बच्चन, ममता कुलकर्णी और गणेश आचार्य गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नजर आए थे। तो ये तमाम बातें थे घातक से जुड़े अननोन फैक्ट्स के बारे में। साथ ही आपको बता दें कि घातक के रीमेक की भी बातें चल रही हैं और कहा जा रहा है कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी एक बार फिर से कोलैबोरेट कर सकते हैं इस फिल्म के लिए। और अगर ऐसा हो गया तो ये सनी देओल की दूसरी फिल्म होगी जिसका रीमेक बनने जा रहा है। इससे पहले घायल रिटर्न वो कर चुके हैं जो कि सुपर डुपर हिट हुई थी, और घातक भी बनती है, उसका रीमेक भी बनता है, तो वो भी सुपर डुपर हिट हो गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में और घातक के रीमेक का आपको कितना इंतजार है? साथ ही किन फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि अगली वीडियो में जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आऊं। और इसी तरह की दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को।